एट्रोसिटी एक्ट की बात आपने कही, तो आप बताइए आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे हमारे दलित भाइयों को जाने नहीं दिया जाता है, आज भी उन्हें घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता है, आज भी छुआछूत इतना चरम सीमा पे उसका जवाबदार जिम्मेवार कौन होगा। बात यहाँ पे केवल स्वर्णों की या शूद्रों की या यहाँ पे वैश्य की नहीं है, बात है कि प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, आज को उसको अधिकार चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए, उसको जीवन देने का अधिकार चाहिए। अगर वो अधिकार किसी ने दिया है तो संविधान ने दिया है। अगर एट्रोसिटी एक्ट के लिए अगर रामू टेकाम 2 अप्रैल को सड़कों पर उतरा था तो ये अधिकार भी बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। और एट्रोसिटी एक्ट हम किसी पे लांछन लगाने या किसी को प्रताड़ित करने का काम नहीं है। अगर जो अपराधी होगा कानून उसे सजा देगी, ये कानून का काम है, बस इतना कहना चाहता जी। हमारे साथ क्या नाम है जी? एक छोटा सा प्रश्न रामू टेकाम जी से रखना चाहूंगा, दो शब्दों का। चलिए चलिए, क्या 2 अप्रैल के बंद को कांग्रेस का समर्थन था, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए पूछा है, कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए प्रश्न किया है जी जी। मैं ये बात, आपका जो सवाल है, आपके सवाल पे मेरा एक और सवाल है, है ना? आपके सवाल जी, जी मेरी विनती है आपसे, मेरी विनती है आपसे करबद्ध, पहले बोलिए कांग्रेस का समर्थन 2 अप्रैल के बंद को था या नहीं? हाँ या नहीं? आपके सवाल पे, इस बात पर बोलिए, आपके सवाल पे मेरा सवाल है, क्योंकि सवाल आपने किया। शांति बनाए रखें, शांति बनाए।